हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? और सब लोगों की तैयारी अच्छी चल रही होगी, आई होप सो। एंड आरपीएससी एसएफ की जो टेस्ट सीरीज का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया है वो अपने प्रिपरेशन को बूस्टअप कर सकते हैं ज्वाइन करके। देखो दोस्तों, अब तक हम पढ़ रहे थे रियल एंड कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में कन्वर्जेंसी एंड डाइवर्जेंसी फॉर द इन्फाइनाइट सीरीज। अब देखो, कॉम्प्लेक्स नंबर की बात करते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं। देखो, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर हुआ ना, तो इसमें एक ही साउंड आ रहा है, कॉम्प्लेक्स यानी मिश्रण। मिश्रण किसका? एक रियल नंबर का, एक इमेजिनरी नंबर का। यानी कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर होता है उसको लिखा जा सकता है ए प्लस आयोटा बी की फॉर्म में। यानी कि ए क्या हो गया, जो आयोटा के साथ होता है वो, मतलब क्या हो गया एक तरीके से, ये जो ए और बी है वो क्या है, रियल नंबर है, ठीक है ना। तो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या हो गया, अ कॉम्प्लेक्स नंबर इज एनी नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ द ए प्लस आयोटा बी, वेयर ए एंड बी आर द रियल नंबर एंड आयोटा जो होगा उसकी जो वैल्यू होती है वो होती है माइनस वन, ठीक बा। अब देखो तो जिसमें ए, इसका मतलब ये हो गया कि ए जो होगा ना वो तो हो गया रियल पार्ट, और बी जो होता है वो होता है इमेजिनरी पार्ट, ठीक है। इसमें याद रखने वाली देखो क्या चीज़ है इंपॉर्टेंट, ये है कि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू याद रखना माइनस वन होती है, ठीक है ना। मान के चलो मेरे को आयोटा क्यू की वैल्यू निकालनी, तो क्या हो जाएगा, आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा। तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू है माइनस वन इंटू आयोटा, यानी कि क्या हो जाएगा, ये माइनस आयोटा हो जाएगा, ठीक है ना। इस तरह से आप किसी भी वैल्यू फाइंड कर सकते हो, जैसे आयोटा फोर है तो ये क्या हो जाएगा, आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा स्क्वायर। तो आयोटा स्क्वायर मतलब माइनस वन इंटू माइनस वन यानी वन हो जाएगा, कोई दिक्कत? तो यहाँ तक तो आई थिंक सबको समझ में आया होगा कि ये क्या है, बहुत बेसिक चीज़ें और ये सबको आती भी होंगी, ठीक है ना। देखो इसके बाद में क्या होता है कि ये जो होता है ना, मतलब इनको एक नोटेशन भी होते हैं इनके, इनको लिखने के, ठीक है ना। तो वो क्या होते हैं देखो मैं बता देता हूँ। मतलब मान के चलो इफ़ जेड इज इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी है सपोज, है ना। तो ये क्या हो गया, एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, यही क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसमें ए इज कॉल्ड द रियल पार्ट ऑफ द जेड, रियल पार्ट ऑफ द जेड एंड बी इज कॉल्ड द इमेजिनरी पार्ट ऑफ द जेड, ठीक है ना। अगर इनको मेरे को रिप्रेजेंट करना हो तो मैं कैसे कर सकता हूँ, देखो इस तरीके से कि रियल पार्ट को लिखेंगे, रियल इस तरीके से, रियल पार्ट ऑफ जेड इज एंड क्या हो जाएगा, ये रियल पार्ट ऑफ द जेड ए, एंड इमेजिनरी पार्ट के लिए लिखेंगे इस तरीके से, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, ये इमेजिनरी पार्ट ऑफ द जेड क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा ना, ठीक है, कोई दिक्कत। इसके बाद एक टर्म आता है कॉन्जुगेट, इसके बाद एक टर्म आता है कॉन्जुगेट, ठीक है। देखो कॉन्जुगेट क्या होता है, कॉन्जुगेट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर मान के चलो कोई है जेड इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई, है ना। तो इसका जो कॉन्जुगेट होगा ना, सबसे पहले उसको रिप्रेजेंट किया जाएगा जेड बार से, और उसकी वैल्यू हो जाएगी एक्स माइनस आयोटा वाई। एनी डाउट, ये बेसिक चल रहा है तो 5-6 मिनट में सारा अपने आप कवर हो जाएगा। यानी कि आयोटा का जो आयोटा के साथ जो है ना, उसका आपको क्या करना, साइन चेंज करना, चाहे वो किसी भी फॉर्म में लिखा हुआ हो, कोई दिक्कत। अगर मैं कह दूँ कि जैसे 5 प्लस आयोटा 2 है तो क्या हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स 5 माइनस आयोटा 2 हो जाएगा, कोई दिक्कत। दूसरी चीज़ याद रखना कि अगर मान के चलो कोई कॉम्प्लेक्स नंबर ए प्लस आयोटा बी अगर इस तरीके से है 0, तो इसका मतलब हो जाएगा ए इजकल टू 0 एंड बी इजकल टू 0, कोई दिक्कत। ए भी 0 हो जाएगा और भी क्या हो जाएगा, बी भी 0 हो जाएगा, ठीक है यहाँ तक। अगर मान के चलो ए प्लस आयोटा बी इजकल टू एक्स प्लस आयोटा वाई है, इस तरीके से अगर कुछ है एक्स प्लस आयोटा वाई है, तो मैं लिख सकता हूँ ए इजकल टू एक्स एंड बी इजकल टू वाई लिख सकता हूँ, ठीक है। मेरे ख्याल से तक कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर मान के चलो मॉडल्स निकालना हो, तो मान के चलो वही ए प्लस आयोटा वी इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर अगेन, ठीक है ना। तो जो मेरे मॉडल्स होगा वो क्या हो जाएगा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर, ठीक है ना। तो इसको किस तरह से लिखते हैं देख लो। अगर मैं कहूँ जैसे मान के चलो ए प्लस आयोटा बी है, अब मेरे को क्या निकालना है, कम मॉडल्स निकालना है, तो मॉडल्स किस तरीके से निकालते हैं, ए प्लस आयोटा बी, तो ये हो जाएगा अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा, कोई दिक्कत। तो ये एक तरीके से कुछ कॉम्प्लेक्स नंबर की क्या है, एक छोटी छोटी चीज़ें हैं जो जिनको अगर जिन्होंने स्टार्टिंग से स्टार्ट किया तो उनके लिए थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, अदरवाइज सबको आती होगी, ठीक। तो ये जो चीज़ें ना, ये जो ए प्लस आयोटा बी अगर 0 हो तो इक्वल टू 0 बी इक्वल टू 0 है ना, और ए प्लस आयोटा बी इक्वल टू, इनको अगर मैं इसके साथ कंपेयर कर दूँ तो ए इक्वल टू एक्स एंड बी इक्वल टू वाई, तो दोनों ही ये क्या है, प्रॉपर्टी है। तो इनको प्रॉपर्टी की तरह समझ लेना, कॉम्प्लेक्स नंबर की जो प्रॉपर्टी होती है वहाँ यहाँ से स्टार्ट हो जाती है। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे प्रॉपर्टीज़, क्योंकि ये सिलेबस में है इसलिए इंपॉर्टेंट भी है, और ना भी होता तो भी पढ़ना पड़ता है। तो एक ये हो गया,
सॉरी, एक ये हो गया और दूसरा ये हो गया, ठीक। दो प्रॉपर्टी अपने पढ़ ली। देखो आगे चलते हैं। अगर थर्ड प्रॉपर्टी की मैं बात करूँ तो देखो थर्ड प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि ये थियोरेटिकली भी हो सकती है, पूछी जा सकती है, और मतलब किसी भी फॉर्म में पूछी जा सकती है, क्वेश्चन आई पूछ सकता है, और ये हर इस पर क्वेश्चन आ ही जाता है। आप ये मान लो, देखो याद रखना कि अगर मान के चलो Z1, Z2, Z3, ठीक है, इस तरीके से क्या है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, कॉम्प्लेक्स, ठीक है ना, इस तरीके से क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो ये क्या करते हैं, सेटिस्फाई करते हैं किसको सेटिस्फाई करते हैं, फर्स्ट Z1 + Z2 = Z2 + Z1 को सेटिस्फाई करते हैं। ये क्या होता है, इसको बोलते हैं, ये आता सबको है लेकिन हिंदी में याद रख लेना, मतलब थ्योरी में याद रख लेना, कम्यूटेटिव लॉ फॉर एडिशन, ठीक है। अगर मैं बात करूं Z1 × Z2 = Z2 × Z1, ठीक है ना, Z2 × Z1, इसको बोलते हैं कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन, ठीक। इसके बाद अगर इस तरीके से हो Z1 + Z2 + Z3 = Z1 + Z2 + Z3, ठीक है ना, अगर इस तरीके से हो तो इसको बोलते हैं एसोसिएटिव लॉ, लेकिन किसका, फॉर एडिशन, ठीक बा। अगर Z1, Z2 है ना और Z3 के साथ इसका मल्टीप्लिकेशन हो, किसके साथ, Z3 के साथ मल्टीप्लिकेशन हो, तो मैं इसको चेंज कर दूं इसका ऑर्डर, तो Z1 × Z2 Z3 हो, ठीक है ना, तो इसको बोलते हैं एसोसिएटिव लॉ फॉर मल्टीप्लिकेशन। ठीक है। और अगर मैं बात करूं कि Z1 × Z1 + Z3 = Z1 × Z2 + Z1 × Z3, अगर मैं इस तरीके से लिखूं तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ठीक है ना। तो वो किसी भी तरीके से पूछ सकता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पे ऐसे क्वेश्चन बनते हैं मोस्टली, ठीक है। देखो फोर्थ प्रॉपर्टी है कि मैं बस बोल के बता रहा हूँ क्योंकि ये आनी चाहिए, द सम ऑफ द, क्योंकि अगर करके देखोगे तो एक दो सेकंड या एक दो मिनट ज़्यादा लग सकते हैं। द सम ऑफ द टू कॉन्जेगेटिव कॉम्प्लेक्स नंबर इज रियल, अगर मैं मान के चलो Z = a + iota b और Ż = a - iota b हो जाएगा, ठीक है ना, तो Z + Ż जो होगा वो क्या हो जाएगा, 2a हो जाएगा, मतलब क्या हो जाएगा, रियल नंबर, ठीक है। यानी कि कोई कॉम्प्लेक्स नंबर होता है और उसका जो कॉन्जुगेट होता है, उसका जो सम होता है वो क्या होता है, वो रियल नंबर होता है, ठीक है ना। ये भी क्या प्रॉपर्टी है, थ्योरेटिकली आ सकती है, नहीं तो आप करके भी देख सकते हो। मैं कहता हूँ द प्रोडक्ट ऑफ द टू कॉन्जुगेट जो कॉम्प्लेक्स होता है उनका जो प्रोडक्ट होता है वो भी क्या होता है, अब मैं यहाँ पर थ्योरी में लिख रहा हूँ, आप करके देख लेना भले ही ना, या फिर करके भी देख लो। तो मैं कहूँगा Z × Ż करूँ तो क्या हो जाएगा, a + iota b × a - iota b, ठीक है। तो क्या लिख सकता हूँ, देखो a² iota iota क्या हो जाएगा, आयोटा स्क्वायर माइनस का, लेकिन माइनस आयोटा स्क्वायर कितना हो जाएगा, प्लस, और b × b यानी b² क्या होता है, रियल। तो ये भी प्रॉपर्टी हुई, क्या द प्रोडक्ट ऑफ द टू कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, वो क्या होता है, एक रियल नंबर होता है। मॉडुलस की अगर बात करूँ है ना, तो देखो मॉडुलस ऑफ जेड जो होगा वो क्या हो जाएगा, जैसे Z × Ż मिल गया a² + b², अगर मैं इस पर √Z × Ż कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, ये √a² + b² हो जाएगा, है ना, और √a² + b² हो रहा है, और मैं इसकी बात करूं तो ये भी क्या होता है, √a² + b² होता है, समझना है इस चीज़ को। मैं कह दूं ये जो निकल गया है a² + b², इसका मैं स्क्वायर रूट ले लूँ तो बनेगा √a² + b², लेकिन मेरे को पता है कि मॉडुलस क्या होता है किसी भी जेड का, अगर मैं इसकी बात करूँ तो √a² + b², यानी कि इन दोनों की हेल्प से मैं लिख सकता हूँ
कि मॉडुलस ऑफ जेड जो होता है वो क्या होता है, इसी का स्क्वायर रूट होता है जेड इंटू जेड बार के साथ में, यानी इसका कॉन्जुगेट और इसका स्क्वायर रूट में क्या बन जाता है, मॉडुलस ऑफ जेड बन जाता है। ठीक है, मेरे ख्याल से यही जो है ना ये क्वेश्चनों में डायरेक्ट लिखा जाएगा, इसलिए मैं कह रहा हूँ इनको अभी तो सिंपल लग रहा है, लेकिन जब क्वेश्चन में लिखेंगे या किसी सॉल्यूशन में इस तरीके से आएगा तो वहाँ पे आपको कन्फ्यूज़न होना 100% है, इसलिए यहाँ पे ही समझ लेना इस चीज़ को। समझ में बात क्या बोला मैंने, यानी मॉडुलस ऑफ एनी कॉम्प्लेक्स नंबर इज इक्वल टू द पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर एंड इट्स कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर। क्लियर? चलो इसके बाद एक चीज़ ये याद रखना कि भाई मैं कह दूँ मॉडुलस ऑफ जेड वन प्लस जेड टू, तो ये जो होगा ना ये होगा लेस देन इक्वल टू, अलग अलग सम करूँ तो मैं इनका ये लेस देन या इक्वल टू हो सकता है किसके, जेड वन अगर मैं सेपरेटली बात करूँ तो। ठीक, जेड वन जेड टू क्या होगा, सेपरेटली क्या होगा, एक टू कॉम्प्लेक्स नंबर है जेड वन एंड जेड टू। तो देखो ये प्रॉपर्टीज़ थी, तो ये प्रॉपर्टीज़ जैसे लगती तो देखने में बहुत सिंपल है, लेकिन किसी भी वे में पूछी जा सकती है। आई होप कि ये आपको यहाँ तक तो समझ में कुछ सब कुछ आया होगा। इसके बाद में दोस्तों याद रखने वाली बात है, e की पावर आयोटा थीटा, इसको लिखा जा सकता है कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, इसको बोलते हैं यूलर फॉर्मूला। ठीक है, इसके बाद क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, ठीक है ना, ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में होती है। मैं बात करूँ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के मतलब इस तरीके से क्या हो जाएंगे इसके रूट, देखो वन माइनस वन प्लस माइनस, यानी प्लस लेके चल लो, प्लस रूट थ्री आयोटा, प्लस रूट थ्री आयोटा बाई टू। ठीक, एक हो जाएगा इसका माइनस वन माइनस के रूट थ्री आयोटा बाई टू, कोई दिक्कत? ठीक है ना, अब इनको लिखा क्या जा सकता है, इसको वन लिख सकते हैं, इसको ओमेगा बोलते हैं, इसको ओमेगा स्क्वायर बोलते हैं। यानी कि अगर मैं बात करूँ तो ओमेगा क्या हो गया यहाँ पे, माइनस वन प्लस रूट थ्री आयोटा बाई टू। ठीक, इसके बाद एक चीज़ याद रखने वाली बात ये हुई, अब एक चीज़ याद रखना देखो कि क्यूब रूट ऑफ यूनिटी क्या होता है, इन जी पी होते हैं, यानी कि ये जो रूट होते हैं क्यूब रूट जो होते हैं इनको लिख लो क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी आर इन जी पी। ठीक है, तो एक तो ये ध्यान रखने वाली बात होगी कि ये क्या, इनके जो क्यूब रूट जो होते हैं वो किस में होते हैं, ये जो जो भी इसके रूट होते हैं वो किस में होते हैं, जी पी में होते हैं। दूसरी याद रखने वाली बात यह है, वन प्लस ओमेगा स्क्वायर यानी कि इनका जो सम होगा वो ज़ीरो होता है, और इन तीनों का जो प्रोडक्ट होगा वन इंटू ओमेगा स्क्वायर ओमेगा क्यूब वो होता है वन। ठीक है ना, तो ये दोनों चीज़ याद रखने वाली बात है, करके देख लेना जिनको डाउट हो, यानी इन तीनों का सम ज़ीरो होता है और इनका क्या होता है वो होता है, मतलब प्रोडक्ट जो होता है वो यूनिटी होता है। इसके बाद नेक्स्ट बात याद रखने वाली बात है, अगर मैं कह दूँ यूनिटी के जो फोर्थ रूट होंगे, है ना, यूनिटी के अगर मैं कहूँ फोर्थ रूट होंगे वो कौन कौन से हो जाएंगे, वो हो जाएंगे वन माइनस वन आयोटा एंड माइनस आयोटा, ये सब याद रखने वाली चीज़ है, तो ये आपके क्वेश्चन में हेल्प करेंगे। ठीक, यहाँ तक। इसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों पोलर फॉर्म की, कॉम्प्लेक्स नंबर की, यानी पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, ध्यान से समझ लेना भैया, देखो भाई इस तरीके से कुछ ग्राफ होता है, ये जीरो होता है तो ये हो जाएगा एक्स, यहाँ हो जाएगा किसके लिए, यानी कि अगर मैं कहूँ जेड इजकल टू एक्स प्लस आयोटा वाई, ठीक है ना, तो ये एक्स हो गया, ये क्या हो जाएगा यहाँ पे आयोटा वाई। ठीक है, और अगर मैं अगर कुछ वैल्यू ले लूँ फिक्स की, ये तो हो गया यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक कितना एक्स, और यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया ये वाई, कह दूँ मैं इसको वाई। ठीक है ना भाई, ये क्या हुआ वाई। तो जो पोलर फॉर्म का जो मोड होता है ना, मॉडुलस जो होता है वो किससे रिप्रेजेंट होता है, आर से होता है, अगर मैं इसको वेक्टर के फॉर्म में लिखूँ तो। ठीक है ना, तो ये आर जो होता है वो क्या होता है, मॉडुलस ऑफ जेड होता है, और जेड क्या होता है, एक्स प्लस आयोटा वाई होता है। ठीक बा, इसके बाद में तो अगर मैं पोलर फॉर्म की बात करूँ तो पोलर जो फॉर्म होती है ना वो होती है जेड इजकल टू आर ऑफ दिस वन, दिस वन व्हाट इज दिस आई विल टेल यू, बट दिस वन जेड इजकल टू क्या हो गया, ये हो गया। अगर मैं इसको फुल लिखूँ तो क्या हो जाएगा, ये आर कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। ठीक, तो यहाँ तक कोई दिक्कत? तो ये क्या होता है, अब बात करते हैं आगे कि इस तरीके से इसको लिखा जा सकता है। अगर मैं आर की बात करूँ तो आर, तो यहाँ पे ये आर क्या होता है, ये होता है मॉडुलस ऑफ जेड, अभी मैंने बताया था, और जेड का मॉडुलस क्या होगा, ए स्क्वायर या एक्स स्क्वायर
प्लस वाई स्क्वायर होता है, अपने अच्छे तरह से पढ़ चुके हो। ये क्या होता है भाई, ये इसको बोलते हैं, जिनको पता होगा उनको पता ही होगा, इसको बोलते हैं ए आर जी ऑफ जेड। ए आर जी ऑफ जेड इसकी वैल्यू कैसे फाइंड की जाती है, टेन इनवर्स ऑफ वाई अपॉन एक्स, वाई अपॉन एक्स। यानी कि ये क्या हो गया, इसको क्या बोलेंगे फिर, इट इज़ द आर्गूमेंट, आर्ग्यूमेंट। इसके साथ कोई आर्गूमेंट नहीं करना है तो इसको बोलते हैं आर्गूमेंट ऑफ जेड, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। आगे अगर डिमना चाहते हो तो सुन लो भाई, इसको किस तरह से नोट किया जा सकता है, टू पाई एन प्लस थीटा, टू पाई एन प्लस थीटा, वेयर वी कैन पुट द वैल्यू ऑफ एन लाइक माइनस थ्री टू वन जीरो टू वन टू थ्री, ठीक है ना। तो बस यहाँ तक याद रखो, आपका काम हो जाएगा, तो कोई दिक्कत। अगर इसकी मैं पर्टिकुलर बात करूँ तो एक्स क्या यहाँ पे आर, अगर मैं थीटा यहाँ लिख दूँ क्या हो जाएगा, आर कॉस थीटा, ठीक है ना। वाई की बात करूँ क्या हो जाएगा, ये आर साइन थीटा, जिनको पता होगा बहुत बढ़िया, जिनको नहीं पता तो याद रखना थीटा के साथ हमेशा कॉस थीटा, और दूसरा जो इसका होता है जिसके साथ थीटा नहीं होता, इस तरीके से थीटा इसके साथ आ रहा है ना, तो एक्स के लिए कॉस थीटा, और ऊपर वाला जो है थीटा थोड़ा ना आ रहा है उसके साथ में, तो वाई इज इक्वल टू आर साइन थीटा, ये इसको बोलते हैं जुगाड़, ठीक है। तो ये वैल्यू आपके पास यहाँ तक हो गई, बोलो यहाँ तक कोई समस्या, आई थिंक पोलर फॉर्म आपको कॉम्प्लेक्स नंबर की समझ में आ गई होगी। इसके बाद एक और चीज़ आती है दोस्तों, पोलर फॉर्म के बाद में एक चीज़ होती है एक्सपोनेंशियल फॉर्म, एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, इसको भी देख लो भाई। देखो ये क्या होती है, वी हैव ऑलरेडी सीन इन दैट द पोलर फॉर्म अ कॉम्प्लेक्स नंबर कैन बी रिप्रेजेंटेड एज जेड इज इक्वल टू आर कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। ये क्या है, ये दिस इज द पोलर फॉर्म, क्लियर। और मैं बात करूँ अगर यूलर फार्मूला क्या होता है, अभी मैंने बताया था यूलर्स फार्मूला, तो यूलर्स फार्मूला क्या बताता है हमको, ई की पावर आयोटा थीटा इज इक्वल टू जो होता है वो क्या होता है, कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। ठीक बा, कॉस थीटा प्लस का आयोटा साइन थीटा। तो अगर मेरे को कॉम्प्लेक्स नंबर को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में रिप्रेजेंट करना हो तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, इन दोनों की सहायता से जेड इज इक्वल टू आर की ई की पावर आयोटा थीटा हो जाएगी, ठीक है। तो क्या हो जाएगी, जेड इज इक्वल टू आर इंटू ई की पावर आयोटा थीटा इज इन द फॉर्म ऑफ द एक्सपोनेंशियल फॉर्म वेयर थीटा इज इन रेडियन, इन रेडियन। कोई दिक्कत, तो आई थिंक यहाँ तक सबको समझ में आया होगा। क्वेश्चन करते हैं, और ये थ्योरी की सेक्शन इसलिए क्योंकि रिवाइज करा दिया मैंने एक्चुअली, तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा। आप क्वेश्चन करते हैं और समझते हैं। अब इसे डाउट को क्लियर कर देता हूँ कि पोलर फॉर्म और एक्सपोनेंशियल फॉर्म में अंतर क्या होता है, देखो क्वेश्चन के थ्रू बताता हूँ। अगर मैं कह दूँ कि जेड इज इक्वल टू है वन प्लस आयोटा रूट थ्री, ठीक है, तो इसको मेरे को किस में चेंज करना है, चेंज करना है इसको पोलर फॉर्म में, ठीक है ना। तो किसको मैं चेंज करना है, इसको पोलर फॉर्म में। देखो कैसे चेंज करेंगे, पोलर फॉर्म क्या होती है, जेड इज इक्वल टू आर, ये याद रखना बस, आप तो ये याद रखना बस, यही तो होती है आर एंगल थीटा, एंगल नहीं है आर्ग्यूमेंट है, ठीक है ना, ये होता है। अब आर क्या कैसे निकालते हैं किसी जेड का, मॉडुलस ऑफ जेड होता है, यानी कि क्या हो जाएगा ये इसका स्क्वायर, वन का स्क्वायर, ए स्क्वायर मतलब वन का स्क्वायर, और आयोटा के साथ वाले का स्क्वायर यानी थ्री, कितना हो जाएगा ये फोर मतलब टू, आर की वैल्यू मिल गई टू। अब निकालते हैं ये थीटा, इसको क्या बोलते हैं, टेन इनवर्स ऑफ वाई अपॉन एक्स, ठीक है ना। वाई अपॉन एक्स किससे कंपेयर करते हैं, एक्स प्लस आयोटा वाई से, तो वाई क्या हो गया आयोटा के साथ वाला, यानी टेन इनवर्स ऑफ वाई के साथ मतलब रूट थ्री, ठीक है। और एक्स क्या हो जाएगा वन हो जाएगा, यानी कि टेन इनवर्स रूट थ्री की वैल्यू किसके इक्वल हो गई, यानी कि रूट थ्री एन किसके होती है, सिक्सटी के लिए हो गई, यानी सिक्सटी को रेडियन में किस तरह से पाई बाई थ्री या पाई बाई थ्री लिखो आप, तो क्या हो गया ये, इस तरह से मैं लिख सकता हूँ, ठीक है। तो अगर मैं इसको पोलर फॉर्म में बनाऊँगा तो पोलर फॉर्म क्या हो जाएगी, अब जेड इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल मतलब आर्ग्यूमेंट ऑफ पाई बाई थ्री, यानी कि मैं इसको लिख सकता हूँ टू, अब इसको चेंज कर दो कॉस वाले में, कॉस पाई बाई थ्री प्लस आयोटा साइन ऑफ पाई बाई थ्री, बोलो कोई दिक्कत यहाँ तक, दिस इज द पोलर फॉर्म। अब इसी क्वेश्चन की मैं कहूँ एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होगी, ठीक है,
तो देखो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में क्या बताया था, जेड इज इक्वल टू क्या बताया था, आर ई की पावर आयोटा थीटा, ये तो बताया था थीटा, आर कितना है 2, ई की पावर आयोटा थीटा, थीटा मतलब पाई बाई 3, ठीक, 2 इंटू, अब ई की पावर पाई बाई 3 को क्या लिख सकते हैं, अब ई की पावर ई आयोटा थीटा क्या होता है, कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, तो लिख सकता हूँ मैं डायरेक्ट, यानी कॉस ऑफ, ये वैसे आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। मैं तो यहाँ बता रहा हूँ एक बार, ई की पावर आयोटा थीटा क्या होता है, कॉस थीटा यानी पाई बाई 3 प्लस आयोटा साइन पाई बाई 3, ये इस जैसा हो गया ना, इसलिए मैं बताता हूँ मैचिंग के लिए। बाकी आंसर क्या हो जाएगा, एक्सपोनेंशियल फॉर्म ई की पावर वाला जो होता है वही तो होता है एक्सपोनेंशियल फॉर्म, आंसर हो जाएगा। आई थिंक दोस्तों ये क्वेश्चन आपके समझ में आए होंगे, और कॉम्प्लेक्स नंबर को मैंने जितने शॉर्ट में बता सकता था, शॉर्ट तो खैर क्या, जितना इंपॉर्टेंट है ना आपके क्वेश्चन होने लायक वो मैंने आपको बता दिया है। फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछ लेना, और लाइक कर देना यार, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर लेना, शेयर तो आप नहीं करोगे कंपटीशन बढ़ जाएगा, नहीं, बट कोई नहीं, आप जैसा भी आपको अच्छा लगे कर लेना। बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आगे क्वेश्चन के साथ में, बाय बाय।